हेलो अरवन इन धिस लेक्चर वील स्टडी अबाउट व्यूइंग एंड क्लिपिंग इन टू डे ट्रांसफॉर्मेशन सो वु मीन बायिंग वी आर एग्जैक्टली ट्राइंग टू प्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट और हेल्प ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स ऑन अ स्क्रीन ठीक है तो हम ये टास्क परफॉर्म कर रहे हैं फाइन तो व्यूइंग का मतलब है देखना ओके okay. और वी आर द व्यूअर्स जो कि कोई भी सीन या ऑब्जेक्ट जब आपका स्क्रीन पर अब वो स्क्रीन किसी भी डिवाइस की हो वहां पर जब ये प्रेजेंट किया जाता है तो वी यूज टू व्यू व्हाट्स हैपनिंग ऑन द स्क्रीन विद रिस्पेक्ट टू अवर सेल्फ ठीक है तो एक सीन की यदि बात करें एक पिक्चर की बात करें सो इट इज मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स नाउ एक सीन जो है वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या पॉइंट्स से मिलकर बना होता है जिसको हम स्पेसिफाई कर रहे हैं वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स में सो so, ये वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं सी व्हाई वी आर स्टडिंग दिस टॉपिक अंडर ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग देखिए आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है जिसे हम या कहें मॉडल है ये आपका बना है पहले जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं आपके मॉडल कोऑर्डिनेट्स। ओके मॉडल कोऑर्डिनेट्स। ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं दीज आर द कोऑर्डिनेट सिस्टम वेयर द मॉडल इज क्रिएटेड ओके तो सबसे पहले इनिशियली कोई भी ऑब्जेक्ट या मॉडल होता है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिसे हम मॉडल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं एंड

च इज ग्लोबली एक्सेप्टेड एवरीवेयर तो आपको इस मॉडल कोऑर्डिनेट सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओके दट इज कॉल्ड एस डब्ल्यू सी एस ओके तो ये वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है ये वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है एक यूनिट कोर्डिनेट सिस्टम होता है विच इज एक्सेप्टेड एवरीवेयर एंड इट इज यूज फॉर द इंटरेक्शन Between various models which are having different coordinates, but when we represent these models into world coordinate system, then it can be compared. ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको scene बनाया है या एक uh, 2D जो है हम एक figure लेलें, which is made up of collection of objects, इसको मैंने represent करा है world coordinates के अंदर। That means ये जो है ग्लोबली uh, एक्सेप्टेबल है इसके जो कोऑर्डिनेट्स आप uh, लिखेंगे वो हम अपने के अंदर यूज करने वाले हैं सो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट में तो हम आ गए अब हमें क्या करना है ये जो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट किया गया सीन या फिगर है उसे शो करवाना है या डिस्प्ले करवाना है डिस्प्ले डिवाइस पर ओके okay, तो उसके कॉर्डिनेट जो होते हैं अलग होते हैं and we call it as device coordinates okay device coordinate so if we want to display the scene a scene in the world coordinates on a display device then it is said to be a display device

स्क्रीन पर देखना चाहेगा उस हिसाब से यहां पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो हमने शुरुआत करी मॉडल कोऑर्डिनेट से जो कि उसके एक्चुअल कोऑर्डिनेट थे किसी भी मॉडल के व्हेन इट हैज बिन प्रिपेयर्ड देन उसको हमने ट्रांसफॉर्म करा वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओके व्हिच इज कॉमन फॉर ऑल एंड देन आपने उसको ट्रांसफॉर्म करा डिवाइस कोऑर्डिनेट के अंदर and this device, uh, device coordinate depend upon which kind of device you are taking to display that particular scene or a picture there is one more coordinate system that is the projective coordinates okay projective coordinates and yeah uh, do category may divide that means one is the perspective coordinate सिस्टम और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्शन राइट नाउ वन इज अ प परिव प्रोजेक्शन अनादर इज ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन तो जो आपका पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है दिस इज यूज फॉर यूइंग थ्री डी ऑब्जेक्ट्स एंड ऑर्थोगनल जो प्रोजेक्शन है या ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे दिस इज यूज फॉर व्यूइंग द 2D ऑब्जेक्ट्स ओके दैट मीन्स वी हैव टू परफॉर्म फोर टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये हम इस प्रकार से कर सकते हैं ओके okay, किसी भी सीन या पिक्चर पर अप्लाई करेंगे और उसको हम अपने स्क्रीन पर शो ऑफ करवा पाएंगे ओके okay, सो so, अभी यहां पर पढ़ने वाले हैं हम दो प्रकार के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में डेट मीनस वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में ओके okay, और हमें यहां पर जो गिवन पिक्चर है या जो सीन है वो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर दिया हुआ है नाउ अब हमारा कंसर्निंग पार्ट क्या है वेन यू वॉन्ट टू डिस्प्ले अ सीन ओनली दो ऑब्जेक्ट्स विद इन पर्टिकुलर विंडो और डिस्प्ले अब हम यहाँ क्या करना चाह रहे हैं देखिए इट्स नॉट बिन कम्पल्सरी कि आपको जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया है या जो सीन दिया है उसका हर एक पोर्शन को हम अपने स्क्रीन पर दिखाना चाहें वी वॉन्ट टू शो अवर कंसर्निंग एरिया और द पोर्शन विच वी वॉन्ट टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन उसके लिए हम क्या करेंगे वी प्रिपेयर अ विंडो ओके एक विंडो हमने बना ली है और ये आ, एक रेक्टेंगुलर विंडो है जिसको हम अप्लाई कर रहे हैं या रख रहे हैं कहां पर उस रीजन पर जो कि हमें क्या करना है शो करवाना है स्क्रीन पर इफ यू टॉक अबाउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस विंडो दीज आर डब्ल्यू एक्स मिन, डब्ल्यू एक्स मैक्स ओके दिस डब्ल्यू वाई मिन एंड डब्ल्यू वाई मैक्स ये इसके क्या है कोऑर्डिनेट्स हैं विंडो के ओके एंड वी आर अप्लाइंग दिस विंडो ऑन द सिलेक्टेड रीजन ऑफ दिस सीन और पिक्चर देन जो पोर्शन हमें शो नहीं करना है व्हाट वी डू उसको हम क्या करते हैं क्लिप कर देंगे या रिमूव कर देंगे या इरेज कर देंगे एंड वी जस्ट सिलेक्ट द पोर्शन व्हिच इज इनसाइड द विंडो सो बिकॉज ड्राइंग थिंग्स टू डिस्प्ले टेक्स टाइम वी क्लिप एवरीथिंग आउटसाइड द विंडो ठीक है तो जो भी विंडो के आउटसाइड आएगा हम उन सबको क्या कर देंगे यहां से क्लिप कर देंगे और जो विंडो के अंदर है हम क्या करेंगे उसको डिस्प्ले करवाएंगे सो व्हाट एग्जैक्टली अ विंडो इज और हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं ये तो हमें समझ में आ गया कि जो हमारा मैटर ऑफ कंसर्निंग एरिया है हम उसको जो है वो शो करवाना चाह रहे हैं इसलिए हमने एक विंडो बनाई है जो विंडो है वो रेक्टेंगुलर है इट मे बी ऑफ डिफरेंट शेप्स ऑल्सो ओके लेकिन हम रेक्टेंगुलर या स्क्वायर हम जनरली रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करते हैं वो इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि यहां आपको कोऑर्डिनेट्स मार्क करने में क्या हो जाएगी आसानी हो जाएगी इसलिए हमने एक रेक्टेंगुलर विंडो ली है ओके okay, ये दूसरे फिगर की भी हो सकती है फाइन सो so, हमने यहाँ रेक्टेंगुलर विंडो ली और उसके अंदर अपना एरिया ऑफ कंसर्निंग या रीजन ऑफ कंसर्निंग पोर्शन सिलेक्ट कर लिया है अब सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है इसको डिस्प्ले डिवाइस पर क्या है शो करवाना है सो लेट इस फर्स्ट डिफाइन वॉट अ विंडो इज एंड वॉट अबाउट द डिस्प्ले डिवाइस एक विंडो क्या होती है वर्ल्ड कोर्डिनेट एरिया डिस्प्ले इज कॉल इज अंडो ओके तो जो एरिया हमने सिलेक्ट करा था डिस्प्ले करवाने के लिए उसमें विंडो कहते हैं एंड द एरिया ऑन ए डिस्प्ले डिवाइस टू विच अ विंडो इज मैप इज कॉल्ड इज अ व्यू पोर्ट यानी कि वो एरिया डिस्प्ले डिवाइस का जहां पर ये जो विंडो से हमने सिलेक्ट करा है रीजन उसको शो करवाना है उसको अपन व्यू पोर्ट बोलते हैं सो so, विंडो एंड पोर्ट ये दो टर्मिनोलॉजी है दोनों अलग अलग टर्मिनोलॉजी है जो विंडो है आपका ये वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में बना हुआ है इसमें हमारा सिलेक्टेड रीजन है और इसी को हम किस पर शो करवाएंगे जो भी सिलेक्टेड रीजन है उसको हम डिस्प्ले डिवाइस पर शो करवाएंगे और उसके जो कॉर्डिनेट होंगे वो व्यूपोर्ट के कॉर्डिनेट कहलाएंगे तो व्यूपोर्ट इज एन एरिया ऑन ए डिस्प्ले डिवाइस टू विच विंडो इज मैप डेफिनेटली मैपिंग होगी विंडो की व्यूपोर्ट से मैपिंग होगी सो आपको यहां क्या करना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज विंडो इज अ डिफरेंट थिंग व्यू पोर्ट इज अ डिफरेंट थिंग ओके तो विंडो की पोर्शन uh, को एरिया को व्यू पोर्ट के एरिया पर यदि दिखाना है तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा थोड़ा सा और बेसिक्स जान लेते हैं इफ यू वॉन्ट टू डिस्प्ले अ पिक्चर और एन इमेज फ्रॉम विंडो टू व्यू पोर्ट इट इन्वॉल्व मैपिंग ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स लाइन्स वॉट एवर ठीक है एंड तो डेफिनेटली यहां पर मैपिंग होगी जो आपका विंडो का एरिया है और व्यू पोर्ट जो आप ले रहे हैं डिस्प्ले डिवाइस का उस उन दोनों के बीच में और यहां हमको यूज करना पड़ेगा एक ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन जो भी यहां यूज होगा उसको हम बोलते हैं व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन ओके सो

क्या देखना है क्या दिख मतलब रीजन वीजन वलेक्टेड रीजन यू आर टॉकिंग अबाउट वो विंडो बताता है एंड द व्यू पोर्ट डिफाइंस वेर इट इज टू बी डिस्प्ले इसको कहां पर दिखाना है यह आपको व्यू पोर्ट बताता है तो विंडो इज वट इज टू बी व्यूड ओके विजिबिलिटी क्या है एंड व्यू पोर्ट किस पर विजिबल करवाना है या डिस्प्ले करवाना है यह बताता है ओके okay, अब जैसा कि हमने बोला कि आपके पास दो अलग चीजें हैं एक विंडो है एक व्यूपोर्ट है विंडो हम सिलेक्ट कर रहे हैं रीजन को और व्यूपोर्ट पर दिखाना चाह रहे हैं ओके सो इट्स नॉट कि व्यूपोर्ट और विंडो दोनों के यदि हम कंफिग्रेशन की बात करें तो दोनों सेम हो इट मे हैपन कि आपका जो व्यूपोर्ट है इट इज स्मॉलर देन कंपेरिजन टू द विंडो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा हम जो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं वो आप कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे फॉर एग्जाम्पल लेट सी यहां हमने बनाया है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम ये आपकी क्या है विंडो है ओके दिस इज द क्लिपिंग विंडो फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर अ पॉइंट हियर इन द विंडो जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स डब्ल्यू एंड वाई डब्ल्यू ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं विंडो के अंदर है एंड दिस इज द क्लिपिंग विंडो ओके और ये आपने बनाया है क्या व्यू पोर्ट ठीक है एंड इसी पॉइंट को डब्ल्यू वाई डब्ल्यू पॉइंट को मुझे व्यू पोर्ट पर दिखाना है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके एक्स वी एंड वाई वी ओके इस तरीके से मुझे इसको यहां पर शो करवाना है ये आपका विंडो है ये आपका क्या है व्यू पोर्ट है ओके okay. सो so, जब हम अपने पॉइंट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर ले जाएंगे सो so, इट्स वेरी मच कंपल्सरी कि कोई भी ऐसा चेंज ना आए पॉइंट की लोकेशन में या आपका जो सीन बन रहा है या जो पिक्चर बन रहा है उसके अंदर डिस्टॉर्शन पॉइंट्स का ना हो उसके लिए हम करते हैं नॉर्मलाइजेशन ओके सो नॉर्मलाइजेशन करना जरूरी है इन ऑर्डर टू मेंटेन द स्टेबिलिटी एंड नॉर्मलाइजेशन इज डिफाइंड एज टू अचीव बेटर न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं विंडो टू ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो किसी भी पॉइंट की स्टेबिलिटी मेंटेन रहे ताकि वो पिक्चर को जब या सीन को क्रिएट किया जाए तो वो वो एज इट इज दिखे जैसा कि विंडो में दिख रहा था ओके okay, तो वी नीड टू परफॉर्म द नॉर्मलाइजेशन इसलिए हमने यहां पर लिखा है नॉर्मलाइजेशन व्यूपोर्ट ओके तो यदि मैं पॉइंट को नॉर्मलाइज करूं ये जो आपका पॉइंट है विंडो के अंदर इफ आई जस्ट वॉन्ट टू राइट द नॉर्मलाइज value of this point in a window it is written as xw minus xw min divided by xw max minus xw min this is the normalized value of this point in the window for x axis and x coordinate di baat ho and yw minus yw min divided by yw max minus yw min this is for

एंड यदि मैं y की बात कर लू तो वाई वी माइनस वाई मिन अपॉन वाई वी मैक्स माइनस वाई मिन, ठीक है ये आपका नॉर्मलाइजेशन हो गया y कोऑर्डिनेट का ओके okay, तो इस तरीके से हमने नॉर्मलाइज कर दिया है विंडो का एक्सेस का नॉर्मलाइज पॉइंट ये है और व्यू पोर्ट का ये है ये आपका y इज पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द विंडो और ये आपका वाई नॉर्मलाइज पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द व्यू पोर्ट ओके अब हमको क्या करना है इनकी मैपिंग परफॉर्म करनी है. तो मैं एक्स की मैपिंग एक्स के साथ कर दूंगा वाई की मैपिंग वाई के साथ कर दूंगा सो लेट सी मैं मैपिंग कैसे कर रहा हूं आपको यहां पर परफॉर्म सी यर आई एव डन द मैपिंग तो मैंने जो नॉर्मलाइज पॉइंट्स निकाले थे एक्स के वाई के सेपरेटली निकाले थे विंडो के निकाले थे व्यूपोट के, के निकाले थे उनको मैंने क्या कर दिया कंपेयर करके यहां पर मतलब इस तरीके से इक्वेट कर दिया so, ये हो है ये YK, आपका क्या हो गया इक्वेट हो गए हैं ओके उसके बाद मुझे क्या करना है व्हाट आई हैव टू डू मेरा मेजर कंसर्निंग पार्ट क्या है मेरा कंसर्निंग पार्ट यह है कि जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं अप्लाई विंडो टू व्यूपो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं तो जो पॉइंट मुझे विंडो के थे एक्स डब्ल्यू वाई डब्ल्यू ये मुझे व्यू पोर्ट पर कैसे मिलेंगे एक्स वी या वाई वी ठीक है आई नीड टू कैलकुलेट दिस कोऑर्डिनेट ओके तो वो कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए व्हाट आई डू हियर एस यहां मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं दैट मींस इस पॉइंट को आ, मतलब यदि हम बात करें यहां इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं सो एक्स वी माइनस एक्स वी मेन इज इक्वल टू एक्स डब्ल्यू माइनस एक्स W मेन मल्टीप्लाई बाय एक्स वी मैक्स माइनस एक्सवी मेन डिवाइडेड बाय एक्सडब्ल्यू मैक्स माइनस एक्सडब्ल्यू मेन ओके तो जो आपका एक्स वी मैक्स है माइनस एक्स वी मेन है डिवाइडेड बाय एक्स डब्ल्यू मैक्स माइनस एक्स डब्ल्यू मेन है इसको हम बोल देंगे स्केलिंग फैक्टर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस एक्स ओके एस ऑफ एक्स फाइन एंड सिमिलरली यानी कि यहां हमने मल्टीप्लाई करते हैं एस ऑफ एक्स से दैट मीन क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये इनका जो रेशियो बना है उसको हमने एस एक्स से डिनोट करा है सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी हम देख लेते हैं वाई वी माइनस वाई वी मिन इज इक्वल टू आपका आ जाएगा वाई डब्ल्यू माइनस वाई डब्ल्यू मिन मल्टीप्लाय बाय ई वी मैक्स माइनस वाई वी मेन डिवाइडेड बाय वाई डब्ल्यू मैक्स माइनस वाई डब्ल्यू मैन जो कि हमने यहां पर लिख रखा है एंड एटस डिनोटेड बाय तो ये आपका आ जाएगा एस वाई जो कि मैंने यहां पर ऑलरेडी लिख रखा है ओके okay, एंड यहां जो स्टेप आई है उसमें एक चेंज करा है आई हैव ट्रांसफर्ड एक्स वी मेन टू हियर ओके तो आपको ये इक्वेशन मिल गई है एंड ट्रांसफर्ड वाई वी मेन टू हियर तो आपको ये नीचे वाली इक्वेशन मिल गई है ओके okay, तो आपने यहां क्या करा आपने कंपेरेटिव करा दोनों को एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को देन आपने क्या करा है जो भी रेशो मिल रहे थे हमें व्यूपोर्ट टू द विंडो के दीज आर द स्केलिंग फैक्टर्स सो इफ यू टॉक अबाउट एस एक्स को मैंने लिखा एक्स वी माइनस मैक्स माइनस एक्स मिन एंड एक्स डब्ल्यू मैक्स माइनस एक्स का रेशो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द विड्थ ऑफ व्यू पोर्ट टू द ऑफ विंडो ये लिखा है हमने और यहां पर हमने लिखा है रेशो लिया है दोनों का विथ का ये आपका स्केलिंग फैक्टर है दैट इज एक्स एक्स और यहां हमने लिया है हाइट ऑफ व्यू पोर्ट टू हाइट ऑफ विंडो ओके ये आपका क्या है वाई फैक्टर है ओके इस तरीके से हमने स्केलिंग परफॉर्म करी है ओके स्केलिंग परफॉर्म कर देंगे यहां हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज को घर पहुंचा देंगे विल गेट द रिजल्ट एज दिस। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं यहां एक्स पी और वाई वी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ओके okay, सो so, अब यहां एक और बात जो है वो इम्पोर्टेंट है जैसे कि मैंने आपको बताया वी आर वर्किंग हियर इन अ टू डी प्लेन जो कि आपको वर्ल्ड अंदर दिया है एंड यू आर हैविंग एनी ऑब्जेक्ट हियर या एनी पिक्चर हियर जिसको आपको क्या करना है शो करवाना है किस पर व्यू पोर्ट पर यह आपका वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है यह आपकी क्या हो गई विंडो हो गई ओके दैट मीन इतना पोर्शन जो है मैंने क्लिक कर लिया एंड आई एम डिस्प्लेइंग इट लाइक दिस ओके सो अब ये मुझे व्यू पोर्ट पर दिखाना है वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है आई नीड टू परफॉर्म द ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली अब ट्रांसफॉर्मेशन जो आप परफॉर्म करेंगे हमने ये पढ़ रखा है कि वॉट एवर द ट्रांसफॉर्मेशन वी विल परफॉर्म वी विल परफॉर्म इट विद रेफरेंस टू द ओरिजिन ओके तो जैसे कि अब ये जो विंडो है दिस विंडो इज नॉट प्रेजेंट ऑन द ओरिजिन और ये आपकी किसकी है ये वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है तो जो विंडो के ये पॉइंट्स हैं ओके वॉट एवर दिस इज एक्स डब्ल्यू मिन एंड वाई डब्ल्यू मिन ये कह रहे हैं तो हम क्या करेंगे पहले इसको ओरिजिन पर लेकर आए क्योंकि वी नीड टू परफॉर्म द ट्रांसफॉर्मेशन तो ट्रांसफॉर्मेशन तो परफॉर्म करने के लिए पहले हम विंडो को ओरिजिन पर लेकर आएंगे सो वी नीड टू परफॉर्म द ट्रांसलेशन फर्स्ट ओके ट्रांसलेशन परफॉर्म करेंगे ये यहां पर आ गया ओके okay, विंडो आपकी यहां पर आ गई है ये आपका सीन है जो आपको दिख रहा है सिलेक्टेड पोर्शन है ओके दिस इज उसके बाद हम क्या करेंगे विल परफॉर्म द स्केलिंग जो कि हमने जस्ट अभी निकाली है एस एक्स एन एस जो अपने कैलकुलेट करेंगे ये हम स्केलिंग परफॉर्म करेंगे तो स्केलिंग परफॉर्म करने पर ये आपको जो नेक्स्ट मिलेगा स्केलिंग आपको जो नेक्स्ट फिगर मिलने वाला है स्केल होने के बाद वो अप्रोप्रेट होगा आपको व्यू पोर्ट पर दिखाने के लिए तो अब पहले ट्रांसलेशन कर लिया फिर स्केलिंग कर ली फिर हमें क्या करना पड़ेगा अब इसे व्यू पोर्ट पर दिखाना है दैट वी नीड टू परफॉर्म ठीक है रीट्रांसलेशन परफॉर्म करना पड़ेगा तो रीट्रांसलेशन परफॉर्म करने के लिए आपके जो री uh, ट्रांसलेशन के पैरामीटर्स होंगे वो आपके व्यू पोर्ट वाले होंगे यानी इसको उठा के कहा लेकर जाना है नेक्स्ट यहां पर लेकर जाना है ओके okay, ये यह यहां पर दिखाना है इसको ओके okay, सो so, ये ट्रांसलेट होगा ये होगा आपका एक्स वी मिन एंड वाय वी मिन से रिट्रांसलेट होगा प्लीज डोंट मिस अंडरस्टूड कि आप एक्स डब्ल्यू मिन और वाई डब्ल्यू मिनस को रिट्रांसलेट कर दोगे नहीं ऐसा नहीं होगा ठीक है ये होगा एक्स वी मिनस है और वाई वी मिन से रिट्रांसलेट होगा ओके तो यही आपको जो पॉइंट मैं बता रहा हूं मैंने यहां मेंशन करे हैं वी नीड टू परफॉर्म द स्केलिंग बट स्केलिंग तभी परफॉर्म होगी जब पहले ट्रांसलेशन होगा तो विंडो एरिया को आपको क्या करना है स्केल करना है किससे व्यू है बट वी नीड टू परफॉर्म ट्रांसलेशन फॉर्स तो आप क्या करें इसको उठा के विंडो को उठा के लाइए ओरिजिन पर ठीक है ट्रांसलेट करते हुए फिर आप इसको स्केल कर दीजिए तो आपका यहां स्केलिंग परफॉर्म हो जाएगी और ये व्यू पोर्ट के कंपेटेबल हो जाएगा डिस्प्ले कराने के लिए ओके okay. देन आपको क्या करना है इसको वापस से रीट्रांसलेट करना है लेकिन रीट्रांसलेट करने के लिए आपको इसको व्यू uh, पोर्ट की एक्चुअल पोजिशन पर लेकर जाना पड़ेगा तो यहां ये इसकी एक्चुअल पोजिशन है इस तरीके से हमने क्या करा है इसको रिट्रांसलेट कर दिया तो ये आपको कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करना पड़ेगा सो दिस इज अबाउट व्यूइंग विंडो एंड द व्यू पोर्ट हम किस तरीके से ये टास्क परफॉर्म करते हैं इन द अपकमिंग लेक्चर्स वी विल सी न्यूमेरिकल ऑन दिस एंड वी स्टडी अबाउट द क्लिपिंग अलगोरिदम्स सो थैंक्स फॉर वॉचिंग